हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे फार्मालोजी चैनल में। हम आपके लिए लेकर आए एक्वा एयर के नाम से ये ड्रॉप आती है। दोस्तों, आप इस ड्रॉप को इसी नेम से किसी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट्री शॉप पर ले सकते हैं आसानी से। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे इस ड्रॉप के बारे में, ये किस यूज में आती है एंड कौन सी परेशानी में आप इस ड्रॉप को ले सकते हैं या डाल सकते हैं अपने कान में। ओके दोस्तों, सारी बातें जानेंगे इस ड्रॉप के बारे में। दोस्तों, मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए एंड तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं इस ड्रॉप के बारे में, क्या इसके अंदर साल्ट हैं, कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है ड्रॉप, क्या इसका यूज होता है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों बताते हैं इस ड्रॉप के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर साल्ट होता है नियोमाइसिन, विक्लोमिथासोन, क्लोट्रिमाजोल एंड लिग्नोकेन एयर ड्रॉप। दोस्तों, इसके अंदर यही साल्ट होता है, यही मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है ड्रॉप। चलिए दोस्तों, इसके कंपोजिशन या मॉलिक्यूल्स के बारे में बता देते हैं, कितने कितने इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मिलाया गया है। दोस्तों, इसके अंदर नियोमाइसिन सल्फेट एंड पिक्लोमिथासोन मिलाया गया है 0.5% एंड डिप्रोपियोनेट, और साथ ही इसके अंदर क्लोट्रिमाजोल भी मिलाया गया है। डिप्रोपियोनेट मिलाया गया है 0.025% एंड क्लोट्रिमाजोल मिलाया गया है 1%, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड मिलाया गया है 2%। दोस्तों, इन्हीं मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है ये ड्रॉप। चलिए इसको ओपन करके दिखा देते हैं किस तरह की ड्रॉप आती है, फिर इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस तरह की ये ड्रॉप मिलेगी आपको किसी भी केमिस्ट्री शॉप या मेडिकल शॉप पर आसानी से ले सकते हैं। इसकी MRP कुछ ज़्यादा नहीं होती दोस्तों, इसकी MRP आपको 65 रुपये की मिल जाएगी ओनली। एंड दोस्तों, इसकी कंपनी की बात करें तो दोस्तों लीफोर्ड कंपनी इसको बनाती है और 5 ml के कंटेनर में आती है दोस्तों। एंड चलिए दोस्तों, इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके कान में दर्द होता है, या दोस्तों आपके कान में मैल है, या दोस्तों फुंसी हो गई, या पस आ रहा है कान में, या दोस्तों आपका कान में खुजली हो रही है, तो इन सारी परेशानी में आप इस ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इस परेशानी के लिए बहुत अच्छी ड्रॉप है दोस्तों। एंड और चलिए इसके यूजेस के बारे में और बता देते हैं, कितनी कितनी डोज डालनी होती है आपको एयर में। दोस्तों, आप इस ड्रॉप को दिन में 3 बार डाल सकते हैं, दो दो बूंदे डाल सकते हैं दोस्तों। एंड बहुत अच्छा इसका यूज है दोस्तों, हमने इसका यूज बता दिया, इसकी डोज बता दी है। चलिए दोस्तों, एंड इसकी कंपनी प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताया दिया दोस्तों। और वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें दोस्तों एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपके पास नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। और लाइक करें हमारे चैनल को एंड शेयर करें दोस्तों वीडियो को। एंड दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारे साथ बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।